राज जी ने लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 13 जून 2020 है, आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी और वार शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 20 है, सवाल माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है, अष्टमी तिथि रात्रि में 1 बजे तक, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, नक्षत्र पूरा भाद्रपद रात्रि में 9:28 तक, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, योग प्रीति दिन में 11:02 तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा, करण बालव दिन में 11:56 तक, उसके उपरांत कौलावकरण आरंभ हो जाएगा, सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:17 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 4:46 पर। चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:19 से 9:01 तक, चर का चौघड़िया 12:26 से 2:09 तक और लाभ और अमृत का चौघड़िया 2:09 से 5:34 तक है। राहु काल वेला की अगर हम बात करें तो दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक राहु काल है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन और या खट्टे मीठे पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य शुक्र राहु बुध मंगल चंद्रमा और शनि और बृहस्पति ये दो दो ग्रह अब एक एक साथ के अंदर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति का सूर्य और शुक्र के ऊपर दृष्टि संबंध बनाना, इससे एक जो आपको फायदा हो रहा है वो ये है कि आपके कार्यों आपके विचारों को कूटनीतिक एक सफलता शुक्र की मिल सकती है और दूसरा बृहस्पति और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है ये किसी भी तौर पर एक पक्ष को विजयी नहीं होने देगा, यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई वार्तालाप हो रही है तो निर्णायक विजय किसी की भी यहाँ नहीं होने जा रही है, एक को जहाँ थोड़ा समस्या है वहाँ दूसरे को भी थोड़ी समस्या है और एक अगर कोई बढ़त हासिल करा तो दूसरे को भी थोड़ी बहुत बढ़त मिल रही है, तो इस मायने में अगर आप देखें तो लगभग लगभग विन विन सिचुएशन ये दोनों पक्षों की रहता है, चाहे घर हो व्यापार हो स्थिति हो कोई भी अगर संघर्ष है तो उसके अंदर ये स्थिति है, तो हमें इसके बीच से कैसे अपने चीज़ों को ठीक करें ये निर्णय लेने हैं। साथ के अंदर बृहस्पति और सूर्य के दृष्टि संबंध जो बिल्कुल एक दो दिन का ही ये साथ रह गया है, इस पर भी विचार करना है कि कैसे हम इस स्थिति को बेहतर से उपयोग में ले सकें कि अपने चीज़ों को पुनः वापस स्थापित करने के लिए जो मानसिक दृढ़ता और जो इच्छा शक्ति चाहिए वो हमारे साहस और निर्णयों में आ सके और हम सही निर्णय ले सकें और सही तरफ आगे बढ़ सकें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई समस्या है तो अपने से जो ज़्यादा बेहतर समस्त ज्ञानवान या जिन्हें आप अपने मेंटोर या गुरुजन मानते हैं उनसे बातचीत करके आज कुछ चीज़ें आप निर्णय में शामिल कर सकते हैं। जो लोग कहीं निराशा या तनाव के अंदर हैं, मंगल और चंद्रमा का साथ तनाव भी देता है, अंदर से नकारात्मकता भी कुछ लोगों के मन में आ सकती है, आधिपत्य जमाने मौका देख करके कुछ चीज़ों को हड़प लेने या उनके ऊपर अपनी अपने अधिकार बनाने की भी मंशा कुछ लोगों की हो सकती है, तो उनसे कैसे संघर्ष करना है ये बृहस्पति और सूर्य अपनी चीज़ों को ठीक रखते हुए और पूरी तरह से डटे रहने से अपने आप उनके मन में ये भाव आ सकता है कि ये स्थिति चल नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि चीज़ें जो अधिकार जताने वाले अधिकार बिना अधिकारों के अधिकार जताने वाले जो लोग हैं उनको पीछे हटना पड़े,
या संघर्ष की स्थिति भी सामने आ सकती है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच आज का दिन गुजरेगा। बड़ा तनाव और बड़ी मशक्कत हो सकती है। घर में अगर आप हैं तो घर में अपने अधिकारों को लेकर के जो पूर्व में आपके पास थे उनको वापस प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष की स्थिति हो सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हो सकता है कि कुछ दिनों या लंबे समय के लिए अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं और सामने वाले अपने अधिकारों आपके अधिकारों का अतिक्रमण करके और अपने आपको थोड़ा परेशान कर दे। तो इस बीच में आप अपने लाभ हानि देख करके अपनी चीज़ें, अपनी डिमांड, अपना अधिकार रख सकते हैं, चाहे विनम्रता से ही रखें। संघर्ष तो जितना आप करेंगे उतना ही आप अपने अपने अधिकारों को की रक्षा कर पाएंगे, उसका भी दिन आज है। आर्थिक रूप से अपने मन को अच्छे कार्यों, अच्छी योजनाओं में लगाने का भी दिन है। निर्माण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आगे हिम्मत करके आगे बढ़ने का दिन है। और जो फसल और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भूमि से जुड़े हुए संबंधित विषयों, सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे खेती से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आढ़ती हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ आज के दिन में अच्छा है। तो आप जिस भी सेगमेंट में काम करेंगे तो अपना अपना हिस्सा आपको मिल सकता है, लेकिन परिश्रम से जुड़ा हुआ आज का दिन है। जो जितना परिश्रम करेगा उसका उतना लाभ वो प्राप्त करेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।